प्रसूति सहायता योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सरकार की तरफ से मिलने वाली राशि में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जिला अस्पताल सहित इस फर्जीवाड़े में शामिल उप स्वास्थ्य केंद्रों ने योजना के पात्र महिलाओं के पैसे अन्य लोगों के खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं, जिससे महिलाओं को राशि के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। डिंडोरी जिला अस्पताल सहित अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रसूति सहायता योजना में वर्षों से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। योजना के तहत डिलीवरी होने पर महिलाओं को 16,000 की सहायता राशि दी जाती है, लेकिन जिला अस्पताल सहित उप स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ कर्मचारियों ने फर्जीवाड़ा करते हुए प्रसूति महिलाओं के नाम पर बड़ा हेरफेर किया है। वहीं वास्तविक प्रसूति महिला प्रसूति सहायता के लिए वर्षों से अस्पताल का चक्कर लगा रही हैं। पीड़ित परिजन ने बताया कि डिलीवरी होने के बाद सभी दस्तावेज जमा किए गए थे, लेकिन विभाग ने किसी अन्य के खाते में राशि भेज दी, जिसके कारण प्रसूति महिला को लाभ नहीं दिया जा रहा है, जबकि ये बड़ी लापरवाही विभाग की है। विक्रमपुर में डिलीवरी हुई थी और अगस्त में हुआ था, 10 अगस्त को, ये करीब साल भर होने जा रहा है। अभी जुलाई चल रहा है, अब एक महीना बाद साल भर हो रहा है और प्रसूति का पैसा अभी तक नहीं मिला। विक्रमपुर डॉक्टर को भी अभी कंप्लेंट किए, बोले कि डिंडौरी जाओ तो डिंडौरी भी आए, लेकिन कोई सुनाई नहीं। अब विक्रमपुर वाला ऑपरेटर बोल रहा था कहीं भी चले जाओ, वो जो खाता में डलना था डल गया। जब वो खाता हमारे है ही नहीं है तो कैसे डल गया भाई। हाँ, हॉस्पिटल भी गए थे, आंगनबाड़ी भी गए थे, कुछ नहीं बताओ। शासन सरकार सबको दे रहा है, हॉस्पिटल वाले खा जाते हैं। योजना में फर्जीवाड़े के बारे में बताते हुए स्वास्थ्य वर्कर ने कहा कि जिन महिलाओं को ये राशि प्राप्त हुई है उनका हमारे रजिस्टर में कोई नाम दर्ज नहीं है। जो ANC जो पता चला है हमें कि रजिस्ट्रेशन हुआ है, यहाँ की तो है, लेकिन ANN सिस्टर के द्वारा और हमारे द्वारा कोई भी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है, ना तो वो हमारे रिकॉर्ड में है कि वो ANC नहीं थी जिनका पता चला है हमें। तो वहाँ हम लोगों ने ये मतलब सत्यापित किया है कि हमारे द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, ना तो ANN के द्वारा किया है। CMHO रमेश मरावी ने योजना में फर्जीवाड़े के बारे में जानकारी मिलने पर जांच की कार्रवाई करने की बात कही है। ये इसमें कुछ फर्जी तरीके से भुगतान के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी। अभी तक हमने तो 25 लोगों से संपर्क किया है, इसमें और भी संख्या बढ़ सकती है। विक्रमपुर ब्लॉक में तो इसके संबंध में हमने सर के समक्ष प्रस्तुत किए थे, कलेक्टर सर के समक्ष, तो जांच टीम गठित की गई है और जांच की जा रही है। जो भी जांच के प्रारूपिक तथ्य होंगे तो जांच टीम द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।